प्रदेश पासवा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे जी और प्रदेश महासचिव राजेश गुप्ता छोटू जी भी मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका पासवा जो है निभाते आई है। आप सभी इस बात के भी गवाह रहे हैं कि एक साथ 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को पासवा ने खेलगांव में सम्मानित करने का काम किया। इसी तरह आर्यभट्ट सभागार हो या स्वर्ण जयंती रांची विश्वविद्यालय का परिसर हो, जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, जो सीमित संसाधन जिनके पास होते हैं, सरकारी स्कूल के तुलना में कम वेतन जिनको मिलता है और उनकी कठिन परिश्रम से जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। ब्लड डोनेशन कैंप हो या कई सामाजिक कार्यक्रम हो जो हम लोग पासवा के बैनर तले लगातार करते आ रहे हैं और आप सभी का सहयोग भी हम लोगों को मिलता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठगी हो, कोई फ्रॉड हो या विद्यार्थी को ठगा जाए, अभिभावकों से ये ज्ञात हो कि मोटी रकम वसूल की जा रही है, तो हम पासवा के सदस्यगण, पासवा के पदाधिकारीगण जिम्मेवारी अपनी समझते हैं। ऐसे अवसर पर भी हम चुप नहीं रह सकते। जिस प्रकार रांची के, झारखंड के, मुख्य रूप से हम अगर राजधानी की चर्चा करें तो कई कोचिंग संस्थान हैं। बराबर देखने को मिला है कि कई तरह की कंट्रोवर्सी भी सामने आते रहे हैं और वहां नामांकन के लिए भी अभिभावक से मोटी रकम वसूली जाती है। पिछले दिनों इसी तरह बायोम का जो एक मेडिकल से संबंधित इंस्टीट्यूट है, उसकी पूरी घटना सामने आई है कि किस तरह से मेधावी सूची को छेड़छाड़ किया जाता है और जो कई अवसर पर तो ये भी देखा गया है कि विद्यार्थी जो होते भी नहीं है उनका भी फोटो लगा के और उनको बताया जाता है कि ये मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में इनकी रैंक गिरने आया था। तो कहने का तात्पर्य है कि वो 100% अपना रिजल्ट कोचिंग संस्थान दिखाते हैं ताकि विद्यार्थी आकर्षित हो सके और अभिभावक भी उनके जालसाजी में फंस सके और वहाँ नामांकन में हर वो पेरेंट्स, हर वो अभिभावक चाहता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, उनकी अच्छी मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और अन्य प्रोफेशनल संस्थानों में उनका नामांकन हो सके। तो इस ट्रैप में लोग फंसते हैं और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई वहाँ दे करके आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। पासवा हमेशा छात्रों की हित की बात करती रही है और जिस प्रकार कोचिंग संस्थाएं बायो जो मेडिकल की तैयारी कराती है, जिसका फर्जीवाड़ा, एक शब्द फर्जीवाड़ा है, मतलब उससे भी बड़ा अपराध ये संस्थान छात्रों के साथ कर रहे हैं। जो छात्र वहां पढ़े नहीं उस छात्र का होर्डिंग्स लगाकर दूसरे छात्रों को आकर्षित करना, हमें लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा क्राइम होगा शिक्षा के क्षेत्र में कि कोचिंग संस्थाएं अपने मनमानी और अपना टैरिफ बढ़ाने के लिए, अपना संख्या बढ़ाने के लिए किस प्रकार छात्रों को गुमराह करें। पासवा और पूरे राज्य के गार्जियन जो अपने बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, वो बड़ा चिंतित है इस विषय को लेकर कि कोई संस्था
अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए और व्यवसाय करने के लिए, शिक्षा का व्यवसाय। छात्र राजनीति में जब हम और आलोक दुबे, किशोर सहदेव, तमाम साथी जब लड़ते थे, छात्रों की हित की बात करते थे, उस समय भी ऐसी बातें आती थी कि बहुत सारे संस्थाएं तो एसएससी वाला दिखा दिया कि मेरे यहाँ से 50 लड़का बैंकिंग का पास किया है, कोई रेलवे का, कोई अलग 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 संस्थाओं में। तो ये सरासर हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्राइम इसको बोला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज वेलफेयर स्टेट है, यहाँ के बच्चे और जो यहाँ रहते हैं वो गरीब से भी नीचे रहते हैं, मगर बच्चों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग संस्थाओं का चयन करते हैं। और उस संस्थाओं के द्वारा अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि ये दुर्भाग्य है। और इस विषय को लेकर पासवा हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और राज्यपाल से भी मिलेंगे, और इस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नियम परिनियम बहुत पहले से मांग यहाँ के छात्रों का रहा है, जिसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ जाएगा, बन जाएगा, उसके नियम परिनियम बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और अलग अलग क्षेत्रों में जो कोर्सेज के नाम पर पैसा लिया जाता है 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपये, उस पर अंकुश लगेगी या यहाँ के छात्रों को अच्छा शिक्षा मिलेगी निश्चित तौर पर। अगर ये तो एक बयों का आया है, मगर और भी संस्थाएं ऐसा है इस शहर में जो दिखाते हैं, उनके हिसाब से लगता है कि भारत में जितने बच्चे टॉप करते हैं अलग अलग क्षेत्रों पे, वो सब रांची के ही रहते हैं, इनके इंस्टीट्यूट के ही रहते हैं। अब देखिएगा, पूरा शहर होर्डिंग से पटा रहता है, और जो जनप्रतिनिधि और मंत्री महोदय लोगों को भी गुमराह करते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट में आमंत्रित करते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं, जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है, जो टॉपर है ही नहीं है, दूसरे बच्चों का चेहरा दूसरे को खड़ा करके, तो कहीं कहीं उसे भी पैसा का लालच दे करके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। मैं आपके मार्फत जरूर चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि भी इस पर अपनी सोच विचार कर, कहीं भी ऐसा अगर आयोजन होता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो वहाँ पर जाने से परहेज करें, ताकि दूसरे बच्चे उसके गिरफ्त में नहीं आए। और ये बड़ा ही गंभीर मामला है, क्योंकि जिस राज्य में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा, शिक्षा पे घोटाला हो जाएगा, बच्चे को गुमराह कर किया जाएगा, जो सारे नेता, हर एक पार्टी के नेता इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे देश के भविष्य ये मेडिकल तरफ जाएंगे, ये इंजीनियरिंग के साइड में जाएंगे, ये साइंटिस्ट बनेंगे, ये बैंकिंग सर्विस में जाएंगे या अदर क्षेत्र में जाएंगे, तो हमें लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। सरकार भी इस पर गंभीरता से लेगी, हम लोग बहुत जल्द उनसे मिलेंगे, माननीय राज्यपाल से मिल करके, कि कोचिंग नियम परिनियम निश्चित तौर पर इस राज्य में बनना चाहिए, ताकि छात्रों को अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त हो और कम पैसा में। जिस प्रकार ये फोटो को भी भेजते हैं, ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आप देखेंगे कोई बच्चे होंगे तो उन्हें जेरोक्स करा करके अलग अलग मटेरियल को भेजा जाता है, 200 पेज का वो लेंगे उनसे 50,000 रुपया, और फोटो कॉपी करने में उनका कितना खर्चा होगा आप समझ सकते हैं। तो जेरोक्स करके बेचने वाला भी इंस्टीट्यूट इस शहर में भरा पड़ा है, इस राज्य में भरा पड़ा है, उन पर भी अंकुश लगना चाहिए, और हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे पासवा के बैनर पर। दोनों साथियों ने पासवा की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। कोई भी संस्थान फर्जीवाड़ा 420 ठगी का काम करेगा तो पासवा उसमें मौन नहीं रह सकते। पहले भी जब हम छात्र राजनीति किया करते थे, हमने हमेशा कोचिंग संस्थानों के फर्जीवाड़े को उजागर करते रहे। बायोम इंस्टीट्यूट का वह छात्र आशीष, जिसके फोटो रांची के होर्डिंग्स के गलियारे में दौड़ रहे, वो वीडियो है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा कि न मैं कभी रांची गया हूँ और न कभी मैंने बायोम इंस्टीट्यूट या रांची के किसी भी संस्थान में एडमिशन लिया। उसने यहाँ तक कहा कि जो JSCC में रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, उस रजिस्ट्रेशन भी मैंने झारखंड में नहीं किया। वो अभी एम्स के मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, जहाँ बायोम के कई अधिकारी वहाँ पर गए और उन्होंने उसको प्रलोभन देने का काम किया। उस आदमी से जब बात हुई तो उसने कहा कि आपकी खबर सही है, लेकिन ये तो होता ही रहता है। इसका मतलब है कि जो रांची में कोचिंग संस्थान बायोम या दूसरे चल रहे हैं, उनके अगर आंकड़ों को देखा जाए, अगर उनके हर साल जारी मेधावी सूची को देखा जाए,
तो पूरे झारखंड में जितने सीट होंगे वो अकेला झारखंड के बच्चों से भर जाता है। और इस एवज में वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, इस काम को गति देने के लिए ये खर्च करते हैं। और कक्षा 9 से जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उसी दिन से एक प्लेटफॉर्म, एक माहौल, एक वातावरण बनाया जाता है कि बगैर कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिए हुए आपके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते। कोई भी आप देख, हम आप सब उसमें गवाह हैं कि कोई फिटजी के लिए पैरवी करता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट के लिए पैरवी करता है, और हम लोग उसमें देते हैं अपने बच्चों का एडमिशन। और इस काम में कई राज्य के रसूखदार स्कूल के प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व रहते हैं उनको इस तरह के माहौल क्रिएट करने के अंदर। बायोम इंस्टीट्यूट 24 घंटे के अंदर बताए कि वो आशीष गहलोत का फोटो क्यों फर्जी किया, और वो आशीष 3 आदमी को लाए, जिस बच्चे से 1 लाख रुपए का चेक दिलवाया, उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय सांसद महुआ मांझी से वो छात्र आशीष है कि नहीं और वो पढ़ता भी है कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हमने जब 14,000 लगभग बच्चों को सम्मानित किया खेल गांव में, तो एक एक बच्चे के पूरा उसके स्कैनिंग की गई, और किसी पेरेंट्स और अभिभावक ने ये नहीं कहा कि नहीं आपने जो है वो किसी गलत बच्चे को सम्मानित किया। दुर्भाग्य है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारी महुआ मांझी दोनों ने कहा कि मैं अब ऐसे प्रोग्राम में जाने से परहेज करेंगे, हम गलत हुआ हम यहाँ आकर के। हम आज जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से मिले। और एक बड़ा रैकेट है, ये रैकेट है झारखंड के आदिवासी गरीब भोले भाले बच्चे और अभिभावकों को मानसिक यात्रा ना दे, ये गुमराह है झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से आते नहीं है, तुरंत तैयार हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, मजबूरी है कि उनको पढ़ना है, और नहीं पढ़ने वाले को इतना टॉर्चर किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कि आपको मजबूरन वहां अपने बच्चे को एडमिशन कराना पड़ता है। बायोम और वो सभी संस्था, सबसे पहले बायोम ने जो ये काम किया है, उसके फर्जीवाड़ा धोखेधड़ी, अगर उसने 24 घंटे के अंदर अपना होर्डिंग नहीं उतारा तो हम जिन जिन थाने के अंदर में उसकी होर्डिंग है वहां पर हम मुकदमा दायर करेंगे, जरूरत पड़ी तो उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उसमें ताला बंद करेंगे। लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ, और ये लूट है, देश के कोने कोने से संस्थाएं यहाँ पर एक धंधा व्यापार चला रही है, और यहाँ का माल खखोर के ले जाता है देश के दूसरे हिस्से में। ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा कंस्पिरेसी है इस राज्य के खिलाफ में, बायोम इंस्टीट्यूट और उन तमाम वैसे संस्थानों के खिलाफ। इसलिए पासवा, आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से जिसने कोरोना काल से लेकर अब तक एक शिक्षा के क्षेत्र में अपना मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, शिक्षा हमारा मंदिर, शिक्षा हमें रास्ता दिखाता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, हम आपके माध्यम से यहाँ के बच्चे और अभिभावकों से गुजारिश करेंगे, आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। हम जिस जमाने में पढ़ा करते थे हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारे लेखनी में, हमारे पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं रह गया। लेकिन ऐसे अभिभावकों को, बच्चों, और इसके माध्यम से ऐसे लोगों के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है जो अच्छी भावना से हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी संदेह के घेरे में आते हैं। इसलिए बायोम इंस्टीट्यूट को बोरिया बिस्तर समेटो और चलो झारखंड से बाहर। ऐसे लोग जो बच्चों के खिलाफ, इट्स टोटली 420 है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है, और हमारी सरकार जो यहाँ झारखंड की सरकार है वो ऐसा किसी को भी करने की इजाजत नहीं दे।